आपके पेशेंट को तो सही पूछो तो मना ही कर दिया गया होगा, क्योंकि शरीर में तो जान ही नहीं था ना भाई। मतलब चलना फिरना तकलीफ बहुत हो गया। पहले तो थोड़ा चलना फिरना ठीक आपका था। पेशेंट जब इलाज करवाने गया था हॉस्पिटल में तो चल के गया था हाँ, ना, चल के गया और था। इस 6 घंटे के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बिस्तर पर आ गया। हाँ, ऐसा हुआ कि चलना फिरना बंद होने का टाइप का हो गया था। मतलब ज़्यादा किधर जाना आना मन नहीं करता था, और मतलब कमजोर हो चलना, गया हाँ, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था पूरा। बहुत। तो इलाज इसको बोलते हैं क्या कि अब तो अगर मान लो कि एक और लगवा देते तो और ज़्यादा वीकनेस हो जाता, चलना फिर पूरा बिस्तर पे आ जाता, पूरा पूरा ही बिस्तर। वो है। तीन भाई हैं, हाँ तो तीन भाई हैं, जबकि कभी मेरे से गया, कभी बड़े भाई से आया, तो अंदाजा लगता होगा ना कितना कितना गया। देखो करीबन 3-4 लाख के करीब आ गया हुआ। 3 से काम क्या करते हैं आप लोग? काम हम लोग वहाँ पे, एक सीमेंट प्लांट है, वहीं पे छोटा मोटा काम चलता रहता है हमारा। नींद बिल्कुल नहीं नींद आती भी, थी, नींद बहुत कम, बहुत बहुत कम। कम। मतलब ऐसा और लगता था कि वो हरदम ऐसे माइंड में ऐसा सेटअप चलता रहता था, क्या हो गया क्या नहीं। अभी वो अब सब दूर हो गया है। मतलब एक आप लोगों के मन में भी था सर। हाँ, मैं हम लोग के मन में तो ज़्यादा था सर। पेशेंट के साथ साथ पूरा परिवार घबराया हुआ था हाँ सर। कि नया कुछ रिपोर्ट्स आने वाला है। पेट साफ नहीं होता है, अभी पेट साफ हो रहा है। आपने मेरी दवाई ली, अभी आपको बता रहे कि 13 से 14 दिन हाँ सर, ही 14 हुए दिन हैं, हुए। ठीक है, और आप बता रहे कि घबराहट और बेचैनी ये बिल्कुल ठीक हो गई ये है, ठीक हो गया, नींद भी आ रही है, नींद भी अच्छी आ रही है, पेट पेट साफ हो रहा है। अच्छी तरह साफ़ हो रहा है। अब तो कहते हैं कि रोज़ वो घूमने भी जाते हैं। जो पेशेंट चक्कर खा के गिर जाता था, जिसको आगे पीछे खड़े होने का ज़रूरत थी आप हाँ लोगों सर, को, कि हाँ लैटरिन बाथरूम भी आप लोग पकड़ पकड़ के ले जाते होगे कि कहीं गिर ना जाए। सर। आप अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम अजय कुमार कर है, अजय कुमार कर, कर, कहाँ के रहने वाले आप? उड़ीसा, उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा में बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बलगढ़ डि बरगढ़, बनगढ़। बर बरगढ़। अच्छा, बरगढ़, ठीक है। पेशेंट क्या लगता है आपका? वैसे मेरा छोटा भाई है, संजय कुमार नाम है, उम्र उनकी 37 साल है, 37 साल। ठीक है। और आपके पेशेंट को 4th स्टेज बताया था, हाँ सर, यानी लास्ट स्टेज बता दिया गया था, ठीक है। लीवर से स्टार्ट हुआ था, लीवर से स्टार्ट। ठीक है, लीवर कार्सिनोमा बताया था इनके पेशेंट को, और मैलिग्नेंट सेल्स बताया था जो कि मल्टीपल ग्रो करता है जी, स्पीड से फैलता है, यही बोला था। हाँ, स्पीड से। आपने अपने भाई को 6 घंटे लगा दिया था। मेरे पास जब लगा के आए थे तो 10 दिन पहले ही आप ईडी लगवा के आए थे। हाँ, पेशेंट को आप लोगों ने सुना था आयुर्वेद को लेकर, जब हम तो राजीव दीक्षित को ही जानता हूँ मैं आयुर्वेद में, तो उन्होंने बोला था कि लगने के बाद आयुर्वेद काम नहीं करता। सच सही बात है, ठीक है भी क्या, आपको पता क्या होता है, लेकिन अपने पास पेशेंट की लगने के बाद भी रिकवरी है मेडिसिन के अंदर। इतना ही है कि आज जिस चीज़ को लेकर आप लोग परेशान हो रहे को लेकर, तो आपके पेशेंट को तो सही पूछो तो मना ही कर दिया गया होगा, क्योंकि शरीर में तो जान ही नहीं था ना भाई। मतलब चलना फिरना तकलीफ बहुत हो गया। पहले तो थोड़ा चलना फिरना ठीक आपका था। पेशेंट जब इलाज करवाने गया था हॉस्पिटल में तो चल के गया था हाँ, ना, चल के गया था। और इस 6 घंटे के बाद, इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बिस्तर पर आ गया। हाँ, ऐसा हुआ कि चलना फिरना बंद होने का टाइप का हो गया था। मतलब ज़्यादा किधर जाना आना मन नहीं करता था, और मतलब कमजोर चलना, हो गया हाँ, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था पूरा। बहुत। तो इलाज इसको बोलते हैं क्या, अगर मान लो कि एक और लगवा देते तो? और ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, चलना फिर पूरा बिस्तर पे आ जाता, पूरा पूरा कितना ही बिस्तर पे। बोला था डॉक्टर ने आपको? नहीं, 6 ही बोला था। अच्छा, हाँ, इसके बाद उसके बाद फिर टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा, वो बोले थे, लेकिन हम लोगों ने टेस्ट किया नहीं है, सीधा ही मेरे पास आ गए, सीधा ही आ वीडियो गया। देखा तो मेरे पास तो आप फंस ही गए फिर, हाँ, नहीं लगाना है बोल के आपके पास आया सर। ठीक है। जिस वीडियो को आपने देखा था 20 डेज़ का रिकवरी, तो वो आपका भी बन रहा वीडियो, सर, आपको वीडियो सच लगी थी सर? पूरा विश्वास ऐसा धीरे धीरे, क्योंकि मेरा भाई जो है उसी ने ही पहला वीडियो देखा, उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है सर मुझे। विश्वास तो जब होता, बता रहा हूँ, जब पेशेंट के शरीर में लगता है कि अब मैं ले नहीं पाऊँ, आप मजबूरी में आए थे सर, कह सकता हूँ ना हाँ, मजबूरी भी कह सकते हैं सर। मैं तो। देखो आप पेशेंट चाहे यहाँ बैठ के छुपाने की कोशिश करें, लेकिन आयुर्वेद में वही लोग आता है ना जी जिसका शरीर में जान नहीं है, या फिर पैसे खत्म हो गए। आपने कितना पैसा लगाया सर अपने पेशेंट पर? ऐसा सर, ऐसा तो कुछ हिसाब नहीं किया हम लोगों ने, फिर भी थोड़ा जितना रहेगा वो। इसका मतलब हो कि बहुत धन है आपके पास पड़ा नहीं हुआ, नहीं आप कभी हिसाब नहीं कर ऐसा सकते, नहीं, ऐसा, पता ही नहीं क्योंकि लगता कहाँ हम से लोग आया। तीन भाई हैं, हाँ तो तीन भाई हैं, जबकि कभी मेरे से गया, कभी बड़े भाई से आया, तो अंदाजा लगता होगा ना कितना कितना गया। देखो करीबन 3-4 लाख के करीब आ गया हुआ। 3 से काम क्या करते हैं आप लोग? काम हम लोग
वहाँ पे एक सीमेंट प्लांट है, वहीं पे छोटा मोटा काम चलता रहता है हमारा, छोटा मोटा 3-4 लाख रुपया आपने आपस में शेयर करके लगा लिया, शेयर करके लगाया, ठीक है। अब आगे इलाज और चलना था, आगे तो पैसे और भी चाहिए थे, पैसे और तो रखे थे आपके पास, और पहले वाला टेस्ट जो करना था अभी उसके लिए पैसा हम लोग ने जुगाड़ कर लिया था। जुगाड़ कहाँ से किया था? जुगाड़ ऐसे हम लोग जो भाई भाई में से रहता है, थोड़ा पैसा आ गया कंट्रीब्यूशन करके इन्होंने आपस में अपना इलाज के लिए। तो ये कब तक चलता? अभी तो पेशेंट की जान भी नहीं थी बॉडी में, अब हो सकता है कि वो कोई नया भी आपको बताया जाता। अभी दूसरा इसीलिए तो हम लोगों ने छोड़ लिया कि कुल मिला के एक ही बात है, आप लोग ने एक मजबूरी में मेरा सहारा लिया वीडियो का। लास्ट में लोग ढूंढते हैं इधर उधर, ऐसा लगा कि सर जैसे कि हम लोग ये लेने से और बिगड़ता जाएगा हमारा शरीर। हाँ, जो 4 लाख रुपया लगाया उससे फायदा तो कुछ नहीं लगा ना? नहीं, फायदा तो कुछ ये बोल सकते हैं ना। हाँ, तो वो इस कंडीशन में सर पेशेंट आते हैं, तो उस पेशेंट की जो रिकवरी रेट है ना वो आप लोगों के सामने रखी जाती है। तो आपने मेरी दवाई भी थोड़ा लेट से स्टार्ट करी, मतलब पास में गाय तो है लेकिन उनका घर जाओ उठाने के लिए उनको उठाना पड़ता है गाय को, कभी दे मिलता कभी कभी नहीं मिलता, कभी नहीं बहुत होता, इसी के चक्कर में लेट हो गया। आपने खुद की गाय खरीदी? खुद की गाय। हाँ, यही होता है। मैंने अपने वीडियोस के अंदर बताया कि जिसके पास ताजा व्यवस्था नहीं है, गाय की व्यवस्था नहीं है, वो मेरे पास दवाई लेने आए नहीं। कंडीशन बताया था मैंने आपको भी ना, तो इसलिए आपने क्या किया कि थोड़ा पहले इंतजाम करके ही आपने दवाई स्टार्ट करी। तो मेरी दवाई स्टार्ट करने से पहले आपके पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें थी सर? ये चक्कर आना, जैसे चक्कर आ रहा था काफ़ी, शरीर कमज़ोर हो गया था, शरीर कमज़ोर, और चक्कर आने का मतलब समझते थे कि पेशेंट चलना फिरना तो बंद ही हो गया होगा। वो मैंने ऐसे मेरे सामने ही खुद एक बार चक्कर खा के गिरने वाला था, मैं पकड़ लिया था उसको, इतना कमज़ोर पेशेंट था कि वो चक्कर खा के खुद ही गिरा था, इन्होंने पकड़ लिया, नहीं तो शायद चोट भी लग जाती, चोट भी लगता, ठीक है। और चिकन पॉक्स हो गया था, चिकन पॉक्स, ठीक है। और घबराहट यानी बेचैनी बहुत ज़्यादा, बेचैनी ज़्यादा था और नींद भी नहीं आ रही थी, अभी घबराहट तो कम हो गई है और नींद बिल्कुल नहीं आती थी, नींद बहुत कम, बहुत कम, मतलब ऐसा लगता था कि वो हरदम ऐसे माइंड में ऐसा सेटअप चलता रहता था, क्या हो गया क्या नहीं, अभी वो सब दूर हो गया है। मतलब एक आप लोगों के मन में भी था सर? हाँ, मैं हम लोग के मन में तो ज़्यादा था। एक सच्चाई है जी, पेशेंट के साथ साथ पूरा परिवार घबराया हुआ था कि नया कुछ रिपोर्ट्स आने वाला है, है ना, नई कुछ घटना घटने वाली है। वही सोचते सोचते हमका हमारा ये हो जाता था कि क्या होगा क्या नहीं। अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि वो जैसे कि उसको माइंड में थोड़ा फ्री आ गया है उसको। एक नखून काले काले थे उसके पूरे। हाँ, और शरीर रूखा रूखा हो गया था। हाँ, है ना, बिल्कुल एक तरह से लगा लो कि, और पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था। पेट साफ नहीं होता है, अभी पेट साफ हो रहा है। आपने मेरी दवाई ली, अभी आपको बता रहे कि 13 से 14 दिन ही हुए हैं, ठीक है। और आप बता रहे कि घबराहट और बेचैनी ये बिल्कुल ठीक हो गई, ये ठीक हो गई, नींद भी आ रही है, नींद भी अच्छी आ रही है, पेट साफ हो रहा है, पेट अच्छी तरह साफ हो रहा है। अब तो कहते हैं कि रोज़ वो घूमने भी जाते हैं। जो पेशेंट चक्कर खा के गिर जाता था, जिसको आगे पीछे खड़े होने का जरूरत थी आप लोगों को, कि लैट्रिन बाथरूम भी आप लोग पकड़ पकड़ के ले जाते होंगे कि कहीं गिर ना जाए, ही ना जी, लैट्रिन बाथरूम वो चला जाता था, लेकिन उसको ऐसा है कि धूप में ज़्यादा कहीं बाहर निकलता है तो ऐसा हमको डर रहता था। अभी फिलहाल थोड़ा डर नहीं लगता, क्योंकि वो अपने आप में वो कहता है कि मैं जाऊंगा वहाँ, अपने आप ही रूखापन शरीर का ख़त्म हो गया। हाँ, ठीक है। और क्या कहते थे, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी पेशेंट को और चक्कर आते थे, वो सारी चीज़ आपका पेशेंट को ठीक है? ठीक है। जिस लीवर कैंड को लेकर घर में घबराहट थी और घर में एक पूरा डर बना हुआ था। हाँ सर, ठीक है ना। 4 लाख रुपया तो अगर नहीं लगाते तो समाज भी आपको जीने नहीं देता। हाँ, वो भी है, सोचते रहेंगे कि भाई भाई पैसे के चक्कर में भाइयों ने जाके इलाज नहीं कराया। हाँ, तो आप लोगों ने इस वजह से उधर गया, लेकिन अब सबके उतने की हिसाब किताब खराब हो चुका होगा। हाँ, है ना, मैं सच्चाई रख रहा हूँ बात को। हाँ, सबकी जेब ढीली हो गई थी, तब इन्होंने सोचा कि अब तो हमारे पास है नहीं, अब चलते हैं आयुर्वेद में। नहीं, ऐसा सच तो बोल दो सर। नहीं नहीं, एलोपैथी के लिए पैसे थे क्या आपके पास? एलोपैथी का उतना पैसा भी नहीं था, हम लोग धीरे धीरे जुगाड़ के जो भी उनके पास से आता है, समझ लीजिए अभी टेस्ट था तो टेस्ट के लिए हम लोग जुगाड़ करके फिर टेस्ट के लिए जाते थे। जुगाड़ कब तक चलता है? किसी ने कहा जुगाड़ ज़्यादा लंबा नहीं चलता है जी। हाँ, ठीक है ना, ज़्यादा लंबा नहीं चलता अभी। हाँ, हम लोग अगर इसने उसमें अगर लड़े रहते हुए एलोपैथी में। चलो, आपने जुगाड़ बंद करके हमारा सहारा लिए बोलेंगे ना। हाँ सर, तो अपने दवाई से आपको अभी तक कितना आराम मिल चुका है? मैं ये बोल सकता हूँ सर, वो जो कि खुद ऐसे जो डर था मन करके काम पे निकलने का कोशिश अभी चला रहा है। सच सच ये बात, और आपने बोला कि अब वो काम पर जा रहा है, काम पे जाने के लिए वो खुद ही निकल रहा है। अभी मैं आया हूँ इधर, वो खुद मेरा हमारा जो इतना भी जो काम थोड़ा मोड़ा चल रहा है वो सुबह जाके वो देख रहा होगा। पेशेंट अब काम पर जा रहा है, जो पेशेंट चक्कर खा के घर में गिर जाता था, जिसकी उल्टी गिनती चल रही थी
कह सकते हैं ना कि वो कहते हैं ना कम डाउन 10, 9, 8, 7, 5, 4 मतलब होता है ना कि अब घड़ी बंद होने वाली है, इस कंडीशन में था, अब वो रिकवरी मोड पर जा रहा है, अब वो पेशेंट काम पर जा रहा है, भूख अच्छी लग रही है, चक्कर नहीं आ रहा है और अपना शरीर खुद चला ले रहा है, आपका काम पर ध्यान दे रहा है, तो लग रहा है कि आपकी जो रिपोर्ट थी नहीं लग रहा आपको कहीं झूठी थी सर? अगर आयुर्वेद ने उसको 13 दिन में रिकवरी दिया तो बोल सकते हैं रिकवरी दिया है, वही कह रहा हूँ, अगर आयुर्वेद ने पेशेंट को अगर 13 दिन में रिकवरी मोड पर लिया है तो कह सकते हैं ना सर कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट गलत थी, क्या पेशेंट की जो लगा हुआ उसी से नुकसान पड़ा? क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है सर, सुनने में बड़ा तकलीफ लगेगा सबको, लेकिन एक डॉक्टर का भी परिवार है, उसको भी पता है कि जाएंगे कहाँ, आपको सारा हमारा लेना पड़ेगा, आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा, मैंने वीडियो मेरे आप लोगों के लिए बनाई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं जी, मैं तो खुद खतरे में चल रहा हूँ, अगर इस तरह से रिकवरी मोड चलेगी तो आप लगा लो कि सब पर उंगलियाँ उठेगी कि इनके पास ऐसा क्या है, मानते हो ना? ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गरीब व्यक्ति है, जो जुगाड़ लगा के अपने काम चलाते हैं, ठीक है, पैसे वाले लोग मेरे पास ना आए, उन लोगों के लिए बड़े हॉस्पिटल ही है, मैं यही कहूँगा जी, क्योंकि जब कोई जिसके पास नहीं है बेचारा वही लोग आयुर्वेद का शरण लेता है, बाकी गारंटी मैं किसी की भी नहीं लेता, लिया था मैंने आपके पेशेंट की गारंटी, ठीक है, अगर पेशेंट की डेथ भी हो रही तो मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, वो आप लोग देखो किस कंडीशन में आते हैं, और मैं किसी की गारंटी लेता, चाहे वो फर्स्ट में आप दवाई ले जाओ और चाहे लास्ट में ले जाओ, आप लोग सबके सामने खुला बोल रहा हूँ जी, वीडियो कहीं पीछे से नहीं बनाता, तो किसी के मन में भी ऐसी बातें हैं कि वो सोच रहा है कि मेरे पास आके जादू की छड़ी घुमा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, रिकवरी है, हर पेशेंट की वीडियो बनाता हूँ, हर रोज़ वीडियो बन रही है, वीडियो एक सहारा उन पेशेंट के लिए जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास हॉस्पिटल में जाने के भी पैसे नहीं है, वो जुगाड़ करके हमारा काम, हमारे पास तो इलाज करवा ही सकता है ना जी, है ना जी, हाँ। एक सिर्फ जांच जांच में भी जितने पैसे लगते हैं उतना भी मेरा इलाज में भी नहीं लगता, नहीं लगता है। मानते हो ना, हाँ। एक सिंपल जांच भी कराने जाते हो तो एक स्कैन जो होती है आपने देखा होगा 15 से 25 हज़ार के बीच में आती है, होता है ना, हाँ, तो उसमें तो मैंने आपको रिकवरी मोड में दे दिया पेशेंट को, ठीक है, तो ये है अपनी रिकवरी मोड, इसलिए आयुर्वेद का वीडियो बना रहा हूँ, आयुर्वेद के डॉक्टर ने आयुर्वेद को बदनाम किया, तो आयुर्वेद को बदनामी से निकालने के लिए ये वीडियो है कि आयुर्वेद स्लो नहीं है, अब इस उंगली ना उठाएं, ठीक है, खुश होना था सर, हाँ सर, आप तो वो आपके घर में घबराहट नहीं ना आप लोगों को भी? नहीं घबराहट तो ऐसा अभी नहीं है इतना, जो पेशेंट को घबराहट थी वो तो थी, हाँ। वो तो उसकी भाई कमजोरी थी, आप लोगों को घबराहट अलग थी, एक अभी उसको काम पे जाते जाने का टाइम में, इधर घूमने के जाने के टाइम में सर कोई भी था तो रोकते थे उसको कि पहले मत निकलो, अभी मत निकलो भाई, अभी तुम अभी तो 15 दिन तो सारे हुए हैं, अभी एकदम से मत, वो खुद ही चला जाता है कि नहीं मैं जाऊँगा थोड़ा देख के आता हूँ, ठीक है, उसका मन कर रहा है जी, इसलिए पेशेंट जा रहा है, तो चलो अब आप लोगों को भी तसल्ली हुई, हाँ, आप लोग भी आपस में भाई लोग बैठ के जो चर्चा करते होगे कि भैया आप तो पैसे तो है नहीं, है ना, जुगाड़ कब तक चलेगा, हाँ, है ना, और कुछ ना कुछ देखो हमारे पैसे तो खराब ही हुए उधर के इलाज में, कह सकते हैं ना जी, खराब तो हुए, खराब तो हुए ना, और यहाँ के इलाज में खराब हुए क्या पैसे? नहीं, यहाँ के इलाज से तो हमको फर्क पड़ा है, अच्छा रिजल्ट मिला है, हमको रिजल्ट मिला है, तो आयुर्वेद से आप खुश हो, मेरी वीडियो सही बनती है, सही सर, ठीक है, तो मैंने जो दिन का वीडियो बनाया था आप उससे आज आप ही का वीडियो है ताकि लोगों को बता सको, अब आप आसपास के लोग मिलने नहीं आते उनसे? नहीं मिलने आते हैं कभी कभार, पहले भी आए थे, हाँ, पहले भी आए थे घर वाले आपके जानने वाले कि भाई चलो मिल लो, उनको सुना है कि ऐसा हुआ है उसके बाद आने लगे थे मिलने के लिए, देखो एक ना एक गिनती चलती है, मिलने वाले लोग मिलने थे, चलो अब तो मिल जाओ, आखिरी समय सर ही था ना, सच बोलना सर, मिलने आते हैं सब सोचते हैं कि पता नहीं किस समय क्या घटना हो जाएगी, चलो मिल जाते हैं, यही होता है ना, हाँ सर, अब वो लोग मिलने नहीं आए कि पेशेंट तो काम पर जाने लगा है, अभी ज़्यादा तो कोई आता है नहीं, अभी क्या है कि फोन पे ही बात चल जाता है, फोन पे ही होता रहता है अभी, यही बात है, क्योंकि अब तो जाने की जरूरत नहीं है, अब तो पेशेंट काम पर जा रहा है, तो वो लोग पूछते नहीं कहाँ से इलाज करा लिया ऐसे आपने? नहीं, हम लोग हमारे आसपास जो हैं वो सब जानते हैं कि हम यहाँ आते हैं, पता है ना, तो आयुर्वेद का कम से कम प्रचार चल रहा है आपके आसपास, तो हमारे यहाँ मैं मुझे भी कोई पूछता है तो हम यहाँ से मेडिसिन लेते हैं आपका इधर से बच्चा बताते हैं, अब आयुर्वेद में आप लोगों को विश्वास कर सकते हैं जी, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने आयुर्वेद का आस छोड़ दिया था, ठीक है जी, तो आप हमारे इलाज से खुश हो, आयुर्वेद तो पूरा विश्वास आयुर्वेद में इलाज है इसका, मान सकते हो ना, ठीक है जी, नमस्कार सर।